सरकार जो नई पॉलिसी लाई प्रधाना अध्यापक और प्रधान शिक्षक की बहाली के लिए, प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक की बहाली तो सरकार कर रही है, लेकिन कहीं न कहीं आरटीई 2009 जो लागू हुआ उसमें स्पष्ट जिक्र है कि कोई भी शिक्षक तभी हो सकते हैं जब वे टीटी पास होंगे और ट्रेंड होंगे। तो फिर प्रधान शिक्षक की बहाली के लिए, प्रधानाध्यापक की बहाली के लिए किस प्रकार इन मापदंडों की अनदेखी की जा रही है, जबकि पूरे देश में आरटीई 2009 लागू है। नमस्कार, आप देख रहे हैं अब तक बिहार न्यूज। आज हमारे स्टूडियो में टीईटी एसटीईटी उत्तीर्ण नियोजित शिक्षक संघ के जिला अध्यक्ष मृत्युंजय कुमार जी उपस्थित हैं। मृत्युंजय जी, आपको हमारे स्टूडियो में स्वागत है। धन्यवाद सर। मृत्युंजय जी, अब शिक्षकों को स्कूल जाते ही 9 बजे अटेंडेंस व्हाट्सएप ग्रुप पर भेजना है और 4 बजे भी स्कूल बंद करने के बाद भी भेजना है, ये शिक्षा विभाग का आदेश आया है, इस पर आप क्या कहें? जो भी शिक्षक हैं, शिक्षक तो शिक्षा विभाग के सबसे निचले पायदान पे आते हैं, सरकार का जो भी आदेश है उसका अनुपालन निश्चित तौर से शिक्षक करते हैं, लेकिन पर डे इस तरह से फोटो खींच करके सवेरे अराइवल टाइम में भी भेजना, फिर डिपार्चर टाइम में भी भेजना, इससे कहीं ना कहीं शिक्षक अपने आप को कुंठित महसूस कर रहे हैं, परेशान महसूस कर रहे हैं। इससे होता क्या है कि शिक्षकों में कहीं ना कहीं हीन भावना प्रवेश करती जा रही है। जो शिक्षक अपने उन्मुक्त भाव से, अपना क्षमता के हिसाब से पूर्ण योगदान बच्चों को बेहतरी के लिए, शिक्षा में विकास के लिए देना चाहते हैं, वे इन परेशानियों से अभी अपने आप को परेशान महसूस कर रहे हैं, जिस कारण से उनको जो बच्चों को अपना 100% योगदान देना चाहिए उसमें कहीं ना कहीं उन्हें परेशानी महसूस हो रही है। लेकिन शिक्षा विभाग का मानना है कि इस तरह का प्रयोग करने से शिक्षा के गुणवत्ता में सुधार होगा। बहुत सारे सरकारें आती है, नए नए पदाधिकारी आते हैं, वे अपना विजन इस सेक्टर में रखते हैं, शिक्षा विभाग में रखते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं लग रहा है देखने से कि शिक्षा विभाग एक प्रयोगशाला बनकर के रह गई है। नए नए पदाधिकारी आते हैं, अपना नया नया एजेंडा लाते हैं और जिससे कहीं ना कहीं शिक्षकों को परेशान किया जाता है, या गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की चर्चा की जाती है लेकिन गुणवत्तापूर्ण शिक्षा किस प्रकार से उसके उद्देश्यों की पूर्ति की जाए उसके लिए कोई काम नहीं किया जा रहा। अभी जितने भी पंचायत हैं सभी में उत्क्रमित हाई स्कूल का व्यवस्था कर दिया गया, एक भी उत्क्रमित हाई स्कूल ऐसा नहीं है जिसमें माध्यमिक शिक्षक हैं, उनमें प्राइमरी शिक्षकों के द्वारा पढ़ाई कराया जा रहा है और उसमें समझिए कि जो प्राइमरी टीचर पढ़ा रहे हैं और उससे जो है जो रिजल्ट आ रहे हैं बच्चे पास कर रहे हैं। सबसे आपको जान करके आश्चर्य होगा कि बहुत से ऐसे उत्क्रमित हाई स्कूल हैं जहां एक भी शिक्षक नहीं है वहां भी बच्चे पास कर रहे हैं। तो इस तरह की व्यवस्था है और सरकार कहती है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर हमारी विभिन्न योजनाएं चल रही है, ये तो हास्यास्पद नजर आता है। हम लोगों को भी कहीं ना कहीं दुख होता है कि सरकार की इन नीतियों के कारण वह बच्चा जो गरीब दबा कुचला है, बहुत आशा और विश्वास लेकर के हम लोगों के पास, हम लोगों के विद्यालय में आते हैं और उन बच्चों के साथ सरकार की इन तरह की नीतियों के कारण कहीं ना कहीं वह बच्चा ठगा जा रहा है जो निर्दोष है, जो अबोध है। बिहार सरकार के अन्य विभागों में इस तरह का प्रावधान नहीं है लेकिन शिक्षा विभाग में क्यों ऐसा प्रावधान लाना पड़ा? अभी सरकारें जो काम कर रही हैं, शिक्षकों को परेशान करने के लिए नए नए नियम लाए जा रहे हैं। अब शिक्षक पहले भी समय से जाते थे, आज भी जा रहे हैं। हमारे शिक्षा विभाग के जो पदाधिकारी हैं वे अपने कर्तव्य से मुकर जा रहे हैं, वे शिक्षकों के साथ संवाद करें, विद्यालय में जाएं, विद्यालय में जो समस्याएं हैं, बहुत सारी समस्याएं हैं, अब जो आधारभूत समस्याएं हैं, बहुत सारे विद्यालय आपको मिलेंगे जहां पे ब्लैक बोर्ड नहीं है,
जहाँ बैठने की व्यवस्था नहीं है। जहाँ बच्चे आते हैं तो उन्हें आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि अभी सत्र इतना आगे बढ़ चुका है, सितंबर का महीना चल रहा है, बच्चों के पास पुस्तक नहीं, कॉपी नहीं है। जिन बच्चों के पास पुस्तक नहीं है, जिन बच्चों के पास कॉपी नहीं है, कैसे वो बच्चे पढ़ पाएंगे? प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक पद के लिए अब बीपीएससी के थ्रू लिया जाएगा। इसमें प्राइवेट शिक्षक को भी 12 साल जो अवधि पूरा कर लिया है उनको भी इसमें बैठने का प्रावधान किया गया है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? अभी सरकार की नई नीति आई है जिसके बारे में आप बता रहे हैं, ऐसे तो प्रधान शिक्षक का कंसेप्ट तो हमारी जो शिक्षा विभाग है वह नया लाई है, लेकिन प्रधानाध्यापक तो शुरू से ही विद्यालय में रहे हैं, उन प्रधानाध्यापकों के द्वारा ही स्कूलों का संचालन हुआ है। आज भारत सरकार ही नहीं, विश्व के अच्छे अच्छे जगहों पे जाकर के वो बेहतर काम कर रहे हैं। और सरकार आज प्रधान शिक्षक, अतिथि शिक्षक, तरह तरह का शिक्षकों का नया नया नामकरण करके और इतना असमानता फैला दी है शिक्षा विभाग में और विद्यालयों में, कहीं न कहीं यह असमानता जो है गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा हासिल करने में सबसे बड़ी बाधा यह असमानता है। विद्यालय में जहां हम बात करते हैं कि गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा होनी चाहिए, सभी बच्चों को एक समान समझना चाहिए, उस विद्यालय में जब 5 तरह के शिक्षक एक ही विद्यालय में रहेंगे तो उसमें समानता कैसे होगा, उसमें समान शिक्षा प्रणाली कैसे लागू। और यह प्रधान शिक्षक की जो अभी कंसेप्ट सरकार के द्वारा लाई गई है, इसमें हमारे जो टीचर हैं, जिसमें आईटी जब लागू हुआ राइट टू एजुकेशन एक्ट, उसमें यह प्रावधान था कि जो शिक्षक 8 साल पूर्ण करेंगे अपने सेवा में उनको प्रमोट करके प्रधानाध्यापक बनाया जाएगा। लेकिन प्रमोशन को सरकार भूल गई है। जब प्रमोशन का समय आया है तो सरकार अपना पाला बदल करके फिर एक नया जुमला जो है, जुमला कहना चाहूंगा इसलिए कि सरकार जो भी बोलती है उससे पलट जाती है। जैसे हम लोगों को जब नियमावली 2012 और 2020 में स्पष्ट जिक्र है कि प्रधानाध्यापक के लिए जो शिक्षक होंगे उन्हीं में टाइम वन प्रमोशन है, जो समय 8 साल की अवधि पूर्ण करने के बाद उन्हें प्रधानाध्यापक में प्रमोट किया जाएगा। तो फिर यह चोर दरवाजे से, पिछले दरवाजे से जो प्राइवेट सेक्टर में लोग काम कर रहे हैं उन लोगों को लाया जा रहा है सरकारी विद्यालयों में, जो कि एक तरह से फिर जो सरकारी विद्यालयों का माहौल है, जो शिक्षा के लिए अभी माहौल अनुकूल बना था, उसको पुनः सरकार के द्वारा अव्यवस्थित करने का एक नया तरीका खोजा गया है। अब जो प्राइवेट सेक्टर से जो लोग आएंगे, जिनका शिक्षा में कोई अनुभव नहीं होगा, वे लोग आकर के प्रधानाध्यापक बन जाएंगे। अभी देखे हैं, इसका एक उदाहरण मैं देता हूँ, एनआईओएस से ट्रेनिंग की बात हुई, बहुत सारे शिक्षक का बाढ़ आ गया अचानक से। उससे पहले सरकार का जो आंकड़ा था जितने शिक्षकों का अप्रशिक्षित होने का, चाहे प्राइवेट सेक्टर हो या सरकारी सेक्टर हो, वे सभी जानते हैं। अचानक से पूरे बिहार में एक बाढ़ आ गया प्राइवेट स्कूलों के माध्यम से और बहुत सारे शिक्षक अपने आप को प्रशिक्षित कर लिए। ठीक उसी प्रकार आज प्राइवेट स्कूलों से बहुत सारे लोग अपना अनुभव प्रमाण पत्र बना करके चोर दरवाजे से हेडमास्टर बन जाएंगे, फिर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा कहाँ आ पाएंगे? जो शिक्षक का जो सरकारी विद्यालय में कार्य कर रहे हैं उनको प्रमोट करके उनको ही एग्जाम में सब लोगों के लिए ओपन कर दिया जाए। बीपीएससी जो एक मानक संस्था है बिहार की, उनके द्वारा एग्जाम लिया जा रहा है, तो फिर एग्जाम से बैरिकेड लगाना कहीं उचित नहीं है। सभी शिक्षकों के लिए इसमें दरवाजा खोल देना चाहिए, सभी शिक्षक इसमें पार्टिसिपेट करें, जो सफल होकर आए वे प्रधानाध्यापक होंगे। भारत सरकार ने पूर्व में 14 जुलाई 1964 में कोठारी आयोग का गठन किया था, जिसे नेशनल एजुकेशन कमीशन के नाम से भी जाना जाता है, जिनका उद्देश्य था कि शिक्षा के क्षेत्र में नित नए नए अनुसंधान करना और उन अनुसंधानों से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के उद्देश्यों को हासिल करना और सरकार को शिक्षा में आने वाली विभिन्न तरह की समस्याएं और शिक्षा में जो भी त्रुटियां हैं उससे सरकार को अवगत कराना था। कोठारी आयोग का जो सुझाव था
उसे सरकार को लागू करना चाहिए थे। और शिक्षा के क्षेत्र में जो बेहतर काम किए हैं वैसे लोगों को शिक्षा विभाग स्कूलों का अनुसरण करने के लिए, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हासिल करने के लिए प्रोजेक्ट बनाने में लाना चाहिए।